चल रही बड़ी खबर की, चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कांग्रेस के 20 उम्मीदवार तय हुए हैं। जी हां, न्यूज 18 के पास उम्मीदवारों की संभावित सूची है। किनको कहां से टिकट मिलेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल पाटन, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर। न्यूज 18 के पास उम्मीदवारों की संभावित सूची, कांग्रेस के 20 उम्मीदवार तय हुए हैं। लगातार मंथनों का दौर जारी है और अब खबर यह निकलकर सामने आई है कि उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 20 उम्मीदवार, कांग्रेस के 20 उम्मीदवार तय हो चुके हैं। न्यूज 18 के पास उम्मीदवारों की संभावित सूची है। भूपेश बघेल पाटन, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, शिव कुमार डहरिया आरंग, अनिला भेड़िया बालौद, उमेश पटेल खरसिया, ताम्रध्वज साहू दुर्ग, जय सिंह अग्रवाल कोरबा, चरणदास महंत सख्ती, शैलेश पांडे बिलासपुर, अमरजीत भगत सीतापुर, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम, पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा रायपुर ग्रामीण, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर, अरुण वोरा दुर्ग शहर, अमितेश शुक्ल राजम, रविंद्र चौबे साजा, मोतीलाल देवांगन, या महंत राम सुंदरदास जांजगीर चांपा, अटल श्रीवास्तव कोटा, डॉक्टर राकेश गुप्ता रायपुर उत्तर। ये संभावित नाम है, इनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है, ऐसी ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है नामों का, लेकिन न्यूज 18 के पास संभावित सूची 20 प्रत्याशियों, 20 दावेदारों के नाम फाइनल किए हैं कांग्रेस ने। मोतीलाल देवांगन या राम सुंदरदास जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, हालांकि सूची का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावित नाम सबसे पहले न्यूज 18 के पास। ममता, बिल्कुल, देखिए पहले चरण में जो 20 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनकी भी संभावित सूची हमने दी है और सूत्र बता रहे हैं कि लगभग उस पर मुहर लग चुकी है। दूसरी हमने सूची दी है 20, ये भी जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और इसको लेकर अगर हम बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कहा था कि पाटन से ही वो चुनाव लड़ेंगे, जब तमाम तरह की अटकलें बीजेपी लगा रही थी और बयान भी दे रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव जो है वो अंबिकापुर से तय है। ये कई ऐसे नाम है मंत्रियों के, खासतौर पर अगर हम बात करें तो वो तो तय ही था कि जहां से जो मंत्री हैं उनके टिकट नहीं कटेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उन्हीं में जो है टीएस सीधे में अंबिकापुर से, शिव डहरिया आरंग से, रुद्रगुरु जो है वो अनिला भेड़िया जो है वो बालो से, उमेश पटेल खरसिया, ताम्रध्वज साहू दुर्ग, जयसिंह अग्रवाल कोरबा, चरणदास महंत जो है वो सख्ती से पहले भी इसको लेकर वो बता चुके हैं और मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। शैलेश पांडे जो है वो विधायक है बिलासपुर के, तो उन्हें वहीं से टिकट मिल रही है। अमरजीत भगत सीतापुर से, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से, शर्मा जो है वो रायपुर ग्रामीण, सत्यनारायण शर्मा की भी बात कही जा रही है, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर, अरुण वोरा दुर्ग शहर, अमितेश शुक्ल राजीम, रविंद्र चौबे साजा, मोतीलाल देवांगन, महंत राम सुंदर दास, हालांकि महंत राम सुंदर दास जो है वो ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं, अटल श्रीवास्तव का कोटा से और डॉक्टर राकेश गुप्ता रायपुर उत्तर। तो ये संभावित सूची जो है वो न्यूज 18 के पास है, क्योंकि पहले चरण की सूची हम पहले दिखा चुके हैं, उसके बाद में ये दूसरी 20 लोगों की सूची है। तमाम समीकरणों को कांग्रेस जो है वो ध्यान में रख रही, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे जातिगत समीकरण हो, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने भी ये कहा था कि करीबन 22 से 23 जो है वो महिला प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उसको भी खासतौर पर हाईलाइट कर रही है। तो ऐसे में पार्टी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि बात नहीं, हमने तो ये कर दिया है, अभी से महिलाओं को ज्यादा टिकट दे दी है। तो इस तरीके से हालांकि लगातार जब पूरी सूची आ जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार कांग्रेस की दो दिनों तक के बैठक हुई है, कांग्रेस जो
जो केंद्रीय चुनाव समिति की, और एक दिन में पहले यह था कि एक दिन में मंथन हो जाएगा, लेकिन कल भी पूरे समय मंथन चला और आज भी दावेदार भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम को जो और जो दावेदार पहुंचे हैं उनसे मुलाकात भी की, उनकी बातचीत भी हुई है, दीपक बैस से भी बातचीत हुई है, और संभवतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो देर शाम तक के लौट भी आएंगे। और लेकिन ये जरूर है कि 15 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी, और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि करीबन लगभग जो है वो थोड़े अंतराल में लगभग पूरे जो नाम है उनकी सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि समय काफी कम है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है, तो नामांकन भी करना है, फिर प्रचार प्रसार भी करना है और पार्टी को रणनीति भी तय करनी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो बड़े नेता हैं उनका आना भी यहां पर बढ़ जाएगा, तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो 15 तारीख को जो है वो सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात कही ममता आपने कि समय काफी कम बचा है, काम बहुत ज्यादा है। अगर संभावित सूची की अगर हम बात करें जो हम दर्शकों को अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, उसमें कोई चौंकाने वाला नाम तो है नहीं, मतलब जिनकी संभावनाएं थी उनको ही टिकट कांग्रेस दे सकती है ममता। देखिए अगर हम बात करें तो रायपुर उत्तर से लगातार ये बात कही जा रही है कि कुलदीप जुनेजा जो है उनकी उनकी टिकट कटी है, उनके बदले डॉक्टर राकेश गुप्ता जो कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं उनको टिकट वो संभावित नामों में से है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, ये तो पहले से ही तय था, तो तमाम जो मंत्री हैं वो उनके नाम तो है ही, और साथ ही अगर हम बात करें तो वो अपने मंत्रियों की जगह भी नहीं बदली जाएगी इसको लेकर। हालांकि रुद्रगुरु को लेकर कहा जा रहा था कि वो अपनी विधानसभा सीट के इतर दूसरी सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात आई उसके बाद कांग्रेस भवन में प्रोटेस्ट भी होने लगे थे, और उसके बाद में जो कांग्रेस के जो चुनाव समिति की अगर हम बात करें उनके सदस्य हैं टीएससी ने, उनका बयान आया था कि भाई मनमर्जी एक तरह से कि नहीं होगी, जो जो जहां से है वहां से लड़ेंगे, इस तरह से भी ये बात आई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस बार बार कहती रही है कि जो मजबूत दावेदार हैं उनको टिकट दिया जाएगा, भले ही उन्हें रिपीट ही क्यों न करना पड़े। और एक बात और है कि ओबीसी जो मुद्दा है वो भी है, तो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है, फीडबैक जो लगातार लिया गया है, अलग अलग तरीके से जो सर्वे किए गए हैं उन सर्वे को भी ध्यान में रखा गया है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आपकी पार्टी की मजबूरी होती है, उन सीटों पे जो पता है आपको कि प्रत्याशी इनको देना ही है, उसका कारण यह होता है कि उनका बैकग्राउंड होता है, पिछला जो अगर ये कहे कि उनके जो पुरखे हैं वो पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उनका एक बड़ा जो है वो इतिहास रहा या नाम रहा है, तो ऐसे नाम भी है कि उनको जो है वो टिकट देना पार्टी की मजबूरी है। जी बिल्कुल ममता, बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मतलब सूची जारी नहीं की है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते इतनी चुनौतियां कांग्रेस के सामने नहीं आनी चाहिए जितना कि वक्त लग रहा है कांग्रेस को। देखिए अमूमन अगर हम बात करें तो पिछली बार भी अगर बीजेपी का आप देखेंगे तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में होती है। एक तो ये है कि वो एक ये भी मैसेज देना चाहती है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और जब भी हम प्रत्याशी उतारेंगे हमारी तो तैयारी तय ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आपसे उम्मीदें भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं, और ऐसे में ये जरूरी होता है कि चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, भले ही दावा किया जाए कि चुनाव हमारे लिए चुनौती नहीं, हमने बढ़िया काम किया, तमाम तरह की जो है वो बातें कही जाती हैं, तो अमूमन जो होता है जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष को देखना चाहता है कि उसका दाव क्या है, और उसके समीकरणों को भी देखा जाता है, जातिगत समीकरण को भी देखा जाता है, और कई बार विपक्ष की सूची को देखकर भी अपने प्रत्याशियों को अपने जो दावेदार हैं उनको जवाब देना और मनाना भी काफी आसान हो जाता है कि भाई अगर आपकी टिकट कट रही है जो मौजूदा विधायक है वो है तो उसका कारण यह है कि जो विपक्ष है उसने इसको जो है वो उतारा हुआ है और ऐसे में यहां पर आपका जो है लूप होल हो सकता है, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को तो मौका मिल ही गया है। पिछली बार अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा डायलॉग रखा हुआ था और तमाम केंद्रीय मंत्री आते थे और वो एक डायलॉग जरूर कहते थे कांग्रेस से कि आपका दूल्हा कौन है। इस बार अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो नहीं सामने रखा है, प्रोजेक्ट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये जरूर है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को लेकर वो जो है वो चुनाव में जाएंगे, तो
इस बार कांग्रेस के पास ये सवाल है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, तो ये परिस्थितियां जो है वो हमेशा अगर बात करें तो कुछ कॉमन चीजें होती है जो सत्ता में होने के बाद में उसी तरीके से होती हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो उसी तरीके से होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी ने 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ था, ए बी सी डी, और सबसे पहले उन लोगों की सूची जारी की थी उन प्रत्याशियों की उन सीटों पर जहां पर बीजेपी कहीं भी नहीं जीती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो समय मिल जाए और जहां पे उन्हें लगा कि मजबूत है। हालांकि उसके बाद दूसरी सूची जो है वो एकदम से जो है 85 लोगों की सूची जारी कर दी, लेकिन अभी भी 5 सीटों पर अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सीट जो है वो अंबिकापुर से है। कांग्रेस की तरफ से तो ये तय ही है कि टीएस सिंहदेव जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और टीएस सिंहदेव का भी कहना है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी उत्सुकता है कि कौन जो है सामने मेरे लड़ेगा। तो ये चीजें हैं और ये तमाम समीकरण जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि करीबन 20 सीटों में जो कांग्रेस के जो केंद्रीय चुनाव समिति है जो जहां पर लगातार बैठक हो रही है, 20 सीटों में अभी भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुमारी शैलजा का जो बयान आया था उनका भी कहना था कि जो भी चीजें वो मिलकर बैठकर जो है वो बात की जा रही है और हाईकमान को बता दिया जाएगा, यानी कि कहीं पर जो है वो दो दो नाम को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है। उसका कारण ये भी है कि 43 जो है नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हुए हैं और इन जाहिर तौर पर नए और जो युवा चेहरे होते हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी होते हैं, और इस बार महिला वोटर भी बहुत ज्यादा है, युवा वोटर भी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद कांग्रेस जो है इन तमाम पे भी सोच रही है। भले दावे ये जरूर रहे हैं कि भाई हमारी पूरी तैयारी है, पर यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी जो है कोई भी पार्टी इतना रिस्क नहीं लेती है। उन्होंने हिंट कर दिया है जिनको उनको लगता था कि मजबूत कैंडिडेट ये है, तो उन्हें कह दिया गया है कि आप जो है तैयारियां शुरू कर दीजिए, और वो लोगों से मिलना और तमाम तरह के जो होते हैं जो तैयारियां होती हैं चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। तो ये चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो ये तमाम जो है दोनों ही पार्टियों के तरफ से तैयारी भी चल रही है। शुरुआती जो 20 जिस पहले चरण पर जिनमें चुनाव होने हैं उनकी उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं वहां पर रही, और वहां पर 2-3 विधायकों के जो टिकट काटने थे वो काटे गए। दीपक बैज जो है वो विधानसभा के सॉरी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो जरूर सांसद हैं, लेकिन यह भी तय हो गया था कि उन्हें मैदान में उतारा जाएगा और विधानसभा लड़ाया जाएगा। जब उनका नाम आया था पीसीसी अध्यक्ष के लिए तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि चूंकि वो सांसद है फिर ऐसे कैसे मतलब जो है वो चीजें आगे किस तरीके से होंगी, लेकिन ये लगभग तय हो गया था कि उनको जो है वो चित्रकूट से लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल ममता, और बीजेपी ने करीब 43 प्रत्याशियों को जो कि नए चेहरे हैं युवा चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो मात्र 5 सीटों पर ही बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के लिए बचे हुए हैं, बाकी सब सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या लगता है ममता, क्या माहौल है वहां पर, क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब कांग्रेस की सूची आएगी तो क्या सभी सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे या फिर कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पहले अगर हम बात करें पहले चरण के जो चुनाव है होने वाले जो 20 सीटों पर, अगर बस्तर संभाग हो या दुर्ग संभाग, तो अगर बात करें तो इस पे लगभग तय ही है और नाम जो है वो हमने सामने दे दिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो 5 सीटों को लेकर अगर कांग्रेस की जो सीटों को लेकर, तो एक तरह से दीपक बैज ने भी कह दिया कि एक साथ जो है वो नाम जारी कर दिए जाएंगे, और चूंकि तैयारियों को लेकर भी बहुत कम समय बच गया है अगर और जाहिर तौर पर अब मजबूरी भी हो गई है और दबाव भी हो गया है कि आपको नाम देने पड़ेंगे। शुरुआत में यह जरूर किया जा सकता है कि जो शुरुआती जो 20 सीटें हैं उसकी सूची जो है वो पहले जारी की जाए और कुछ समय बाद ही यानी कुछ घंटों के बाद ही बाकी के जो नाम है वो भी जारी कर दिए जाए। लेकिन जिन सीटों पर नाम फंसा हुआ है उसको लेकर थोड़ा मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है, दावेदार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में ये जरूर है कि वहां पर माथापच्ची करनी पड़ रही है, लेकिन पार्टी के पास अब समय नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर कई सीटों पर नाम फाइनल हैं, कई सीटों पर माथापच्ची करनी पड़ रही है, कई सीटों पर कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी हैं। बहुत शुक्रिया ममता जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर बीजेपी।